देखा गया है कि हर 6 दंपत्ति में एक जनों को अपनी फैमिली शुरू करने में बाधा का शिकार होना पड़ता है। प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है, औरतों में, आदमियों में या फिर दोनों में। जब आदमी औरत एक साल से रह रहे हैं फिर भी कोई प्रेग्नेंट होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, तब समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कई 10% केसेस में कई बार प्रॉब्लम का पता भी नहीं चलता है कि संग में रह रहे हैं, संभोग हो रहा है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आमतौर पर औरतों के अंदर कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो होती है एनोव्यूलेशन या फिर महीनावारी की समस्या, और हर महीने अंडे का जो ओव्यूलेशन होता है, अंडे बनने की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाना। इसके क्या लक्षण होंगे? महिलाओं जिन लोगों को महीनावारी में समस्या है, कम होता है, ज़्यादा होता है, अनियमित होता है और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, ये सब समस्या के लक्षण है। कई औरतों के आप देखेंगे अपर लिप में ज़्यादा हेयर है, चिन में ज़्यादा हेयर है, बहुत अलग टाइप का मोटापा आ रहा है, शरीर में दाग होते जा रहे हैं जिसको हम लोग स्ट्राया बोलते हैं, बालों का झड़ना, मुंह पे एक्ने होना, पिंपल्स होना, हर समय एक ऑयली स्किन होना, तो ये सब लक्षण एनोव्यूलेशन या फिर आगे चल के उनको माँ बनने में बाधा हो सकती है। यूजुअली कई औरतों में दोनों जो नली होती है जिनको हम लोग ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये भी कई बार बंद हो जाती है। कभी कोई इन्फेक्शन हुआ हो या बहुत सारे कारणों के कारण, इंडोमेट्रियोसिस जैसी एक बीमारी है उसके कारण नली का ब्लॉक हो जाता है। आदमियों में आमतौर पर देखा जाता है शुक्राणु या तो कम हो रहे हैं या नहीं है, जीरो है। जो नली से शुक्राणु बाहर होते हैं वो ब्लॉक होती है। बचपन में कभी मम्स या कोई इन्फेक्शन या चोट का लगना, हर्निया, हाइड्रोसेल, वैरिकोसेल जैसा कोई ऑपरेशन होना, तो ये सब बीमारी के लक्षण होते हैं। इसीलिए आप लोग बैठे नहीं रहेंगे, जितना जल्दी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराएंगे अच्छी जगह उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनफर्टिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज। यदि जो काम अच्छी एज में हो जाए तो सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगी। धन्यवाद।